जैन साधु के वेश में शैतान ने किया राजा का अंत। पिछली प्रस्तुति में हमने देखा कि अर्णिका पुत्र आचार्य ने मरणांत उपसर्ग में भी जीवदया का उत्कृष्ट भाव रखा, जिससे वे केवली बने और कुछ ही पलों में मोक्ष सुख के स्वामी बने और उनके देह से अलग हुए मस्तक में गंगा नदी के तट पर पाटली वृक्ष का जन्म हुआ। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि किस प्रकार श्रीनिक महाराजा के पुत्र कौनिक राजा के पुत्र उदय राजा की हत्या हुई और उनका पूरा वंश साफ हो गया। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुत है अर्णिका पुत्र आचार्य सीरीज का एपिसोड 4। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार उदय राजा के नैमित्तिक नगर बसाने के लिए योग्य स्थान ढूंढते ढूंढते गंगा नदी के तट पर पहुंच गए थे, जहां पाटली वृक्ष एवं चास पक्षी के निमित्त को देखकर उन्होंने इसी स्थान पर नगर निर्माण करने की सलाह राजा को दी थी। उनके मंतव्य का आदर कर उदय राजा ने वहां नया नगर बसाया। पाटली वृक्ष एवं अर्णिका पुत्र यानी कि पाटली प्लस पुत्र होने के कारण नगर का नाम पाटली पुत्र रखा गया। राजा ने वहां एक अत्यंत अलौकिक जिनालय बनवाया, विशाल गढ़ एवं अश्वशाला से युक्त राज्य प्रासाद, मंत्रीगण एवं श्रेष्ठी वरियों के विशाल आवासों से सुशोभित धर्मशाला, दानशाला तथा पौषधशालाओं से विभूषित ऐसे इस पाटलिपुत्र नगर में उदय राजा ने शुभ मुहूर्त में प्रवेश किया। उदय राजा जैन धर्म की वृद्धि करने के लिए सतत पुरुषार्थ एवं पराक्रम करता था। इसके फलस्वरूप राजा के भंडार में अक्षय लक्ष्मी यानी कि जो कभी भी पूरी न हो वैसी समृद्धि बसने लगी। देव गुरु एवं धर्म के प्रति अपार श्रद्धा राजा के हृदय में थी। एक बार शत्रु राजा के पुत्र कि जिसके पिता को उदय ने मारा था, उस विनय रत्न नामक कपटी व्यक्ति ने देखा कि श्रावक के कर्तव्यों के प्रति समर्पित उदय राजा के प्रासाद में यानी कि राजा के महल में जैन साधु साध्वी जी भगवंत बिना किसी रोक टोक के आते जाते हैं। उदय राजा के प्रति वैर भाव रखने वाले इस विनय रत्न ने पाटलिपुत्र की तरफ विहार कर रहे एक आचार्य श्री से दीक्षा ग्रहण की और कपट भाव पूर्वक निरअतिचार व्रत पालन करने लगा। उसकी माया से मोहित समस्त साधु भगवंत उसके अधीन हो गए। कोई भी उसका दाम्भिक साधु जीवन पहचान नहीं पाया। बाहर से इतना अच्छा पालन था कि अंदर क्या चल रहा है वो किसी को भी पता नहीं चल पाया। चालाकी पूर्वक किए गए दंभ को ब्रह्मादिक भी नहीं पहचान सकते, तो फिर निष्कपट ऐसे साधु भगवंत कैसे जान सकते हैं। प्रत्येक अष्टमी एवं चौदस के दिन उदय राजा पौषध लेते थे। पौषध यानी कि टेम्पररी कुछ समय के लिए पापों का त्याग कर साधु के जैसे रहना। उन्हें धर्मकथा यानी कि स्वाध्याय कराने हेतु आचार्य भगवंत भी उनके पास पौषधशाला में रहते थे। एक तिथि के अवसर पर दूसरा कोई नहीं होने से आचार्य श्री ने उस विनय रत्न कपटी मुनि से कहा कि हम राज मंदिर जा रहे, तुम भी सभी उपकरण उठाकर हमारे साथ चलो। आज्ञानुवर्ती होने का नाटक करते हुए विनय रत्न साधु उपकरण उठाकर आगे निकला। उसने पूर्व में मौका मिलते ही उदय राजा का वध करने हेतु एक खंजर अपने पास रखा हुआ था और वही खंजर ओगे में छुपाकर उसने अपने साथ ले लिया। इस मायावी का दीक्षा पर्याय काफी लंबा होने से आचार्य श्री मानते थे कि उसके अंतर में संभाव प्रकट हुआ है, अतः वे उसे अपने साथ राज मंदिर ले गए। स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद आचार्य श्री निद्राहीन हुए और पौषध में होने से उदय राजा ने भी भूमिका परमार्जन आदि किया और सो गए। कपटी साधु विनय रत्न वहीं पर था और वो जाग रहा था। इस दिन का वो इंतजार कर रहा था। इस तरह का मौका मिलते ही उसने उदय राजा की गर्दन पर खंजर चलाकर राजा को मार दिया और वो वहां से भाग गया। राजा के शरीर से बहता हुआ खून आचार्य श्री को स्पर्श हुआ और उनकी निद्रा खुल गई। राजा का कटा हुआ मस्तक देखकर वो समझ गए कि ये काम उस मायावी शत्रु साधु ने ही किया है। मायावी शत्रु साधु के भाग जाने के कारण आचार्य श्री का अनुमान अधिक दृढ़ हो गया। उन्होंने मन में कहा, हे पापी, ये तुमने क्या किया? राजा तो धर्म का मूर्तिमान आधार होता है और ऐसे राजा का वध कर तुमने धर्म को निराधार किया है और शासन को मलिन बना दिया। शासन की अधिक निंदा ना हो इसलिए अब मेरा आत्मघात करना ही उचित है, जिससे लोग ये विचार करेंगे कि राजा एवं आचार्य श्री को किसी आतताई ने यानी कि आतंकवादी ने मार दिया है। ये सोचकर भवचरिम प्रत्याख्यान अनशन यानी कि जन्म के अंत में किया जाता आहार पानी का त्याग एक प्रकार का संथारा करके आचार्य श्री ने वह खंजर अपने गले पर चलाया और वे काल धर्म को पाए। अगले दिन सुबह महल के परिजनों ने उदय राजा एवं आचार्य श्री के मृत शरीर को देखा। उदय राजा का कोई पुत्र नहीं था, अतः राज्य की डोर को संभालने के लिए नए राजा का चयन करने की परिस्थिति उत्पन्न हुई। छत बिना का घर नहीं चलता, उसी तरह राजा बिना का राज्य भी नहीं चलता। विद्रोह आदि होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसीलिए जल्द से जल्द प्रजा के हित के लिए ऐसी परिस्थिति में नया राजा चुन लिया जाता है। उसी पाटलिपुत्र नगरी में किसी वेश्या की कुक्षी से जन्मा हुआ नंद नामक व्यक्ति रहता था।
जिस रात को उदाई राजा की हत्या हुई थी उसी रात के अंतिम प्रहर के समय नंद नामक व्यक्ति ने एक अजीब स्वप्न देखा जिसमें उसने संपूर्ण पाटलिपुत्र को अपने आंत्रड़ियों से यानी कि इंटेस्टाइन से बंधन किया हुआ था। सुबह में उठते ही नंद ने अपने सपने की बात किसी स्वप्न शास्त्र के ज्ञानी ज्योतिष से की। नंद की बात सुनकर ज्ञानी ज्योतिष उसे अपने घर ले गया और वहाँ उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तम वस्त्र एवं आभूषण पहनाए एवं अपनी पुत्री से उसका विवाह करवा दिया। उदय राजा की मृत्यु के पश्चात नए राजा का चयन करने के लिए मंत्रियों ने पंच दिव्य कहलाई जाने वाली पांच वस्तुओं को चुन लिया। ये पांच वस्तुएं इस प्रकार थी: पट्टहस्ती यानी कि विशाल हाथी, प्रधान अश्व यानी कि मुख्य घोड़ा, छत्र, कुंभ यानी कि कलश, चामर की जोड़ी। मंत्रीगण इन पंच दिव्यों के साथ पाटलिपुत्र नगर की परिक्रमा करने लगे। संयोग से उसी समय नंद एवं उसकी पत्नी शिविका यानी कि पालकी में बैठकर नगर की परिक्रमा कर रहे थे और पूरे पाटलिपुत्र नगर की परिक्रमा करने के बाद ये पांच दिव्य उसी स्थान पर पहुंचकर रुक गए जहां नंद की शिविका थी। पट्टहस्ती ने कुंभ से नंद का अभिषेक किया। ये देखकर प्रधान अश्व आनंदित हो उठा। चामर की जोड़ी अपने आप झूलने लगी और छत्र भी विकसित हो गया। ये पांचों चीज मंत्रित की जाती है और जब कोई व्यक्ति राज्य के राजपद के लिए योग्य होता है तब ये प्रक्रिया होती है। नगर जन प्रधान पुरुष श्रेष्ठ वरियों ने नंद का राज्याभिषेक आनंद पूर्वक किया और नंद को पाटलिपुत्र का राजा नंद राजा के रूप में घोषित किया। नापित पुत्र यानी कि नाई का पुत्र नंद श्री महावीर स्वामी भगवान के निर्वाण के 60 ईयर्स के बाद 60 साल के बाद पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। तो कुछ इस तरह से हुआ था नंद वंश का उदय। नंद वंश 9 राजाओं तक चला। 9वें नंद राजा के राज दरबार में हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए महामाते चाणक्य ने किंग मेकर बनकर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और 9th नंद राजा को युद्ध में हराकर अखंड भारत स्थापित कर राजगद्दी पर मौर्य वंशी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किया था, जिसके बारे में हमने आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की सीरीज में देखा है, जिसके लिंक्स आपको यूट्यूब पर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो सारे वीडियोस एक बार फिर से देखेंगे तो इतिहास का पूरा क्रम हमें समझ में आ जाएगा। ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए कृपया करके ये देखिए और अपने बच्चों को भी बताइए किस प्रकार उदाई राजा की हत्या हुई, उसके बाद किस प्रकार नंद वंश का उदय हुआ, 9th नंद राजा पर विजय प्राप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के सम्राट बने, ये पूरा क्रम है। तो इस सीरीज में हमने अर्णिका पुत्र आचार्य और साध्वी पुष्पचूला महासती के बारे में जाना। जय जिनशासन, जय महावीर।